वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे गुलाम वंश से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन। तो सल्तनत काल का जो प्रथम वंश था गुलाम वंश, इससे संबंधित हम थ्योरी की वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने चाहे वो इल्तुतमिश हो, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, रजिया बेगम हो या फिर बलबन हो, यानी कि गुलाम वंश के सभी शासकों के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया है। तो आज की वीडियो में उनसे संबंधित टॉप 25 एनसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि कई एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उसमें द जीएस प्लेटफॉर्म सर्च करके आप हमारे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। और मैंने अपनी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आप मैं अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और वहां पर हमारी वीडियोस को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न सुल्तानों में किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। तो यानी कि जो मस्जिद है गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद, उसकी दीवारों के शिलालेखों में क्या लिखा हुआ है कि वो खलीफा का सरदार है, वो किसने कहा है ऐसी बात। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, बलबन ने कहा है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने थ्योरी की वीडियोज में डिस्कस किया है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो बलबन ने ही गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर जो शिलालेख लिखवाए हैं उनमें अपने आप को खलीफा का सहायक कहा है। अब खलीफा कौन था, तो देखिए मैं बता दूं कि आपको कि उस समय जो इस्लाम धर्म का जो धर्मगुरु होता था, जो मुख्य धर्मगुरु होता था, उसको खलीफा बोलते थे। तो उसी का सहायक कहा गया है क्योंकि उसने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में काफी मुख्य भूमिका अदा की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का आरंभ करवाया था। तो देखिए नौरोज एक फारसी त्यौहार था और इसको किसने आरंभ करवाया था, तो सल्तनत काल में इसे बलबन ने शुरू करवाया था। तो ऑप्शन यहां पर आपका ए सही हो जाएगा। तो देखिए बलबन ने अपने राज दरबार में काफी नियमों को बनाया था और काफी उसने सुधार भी किए थे। इन्हीं में से एक सुधार ये था कि उसने नौरोज त्यौहार को भी मनाना आरंभ किया था। मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में बता दूं कि उसने अपने राज दरबार में सिजदा और पाबोस ये दो प्रथाएं भी शुरुआत कराई थी। इसमें सिजदा का मतलब था भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोस का मतलब होता था सुल्तान की चरणों को चूमना। इन सभी रीतियों की शुरुआत बलबन ने करवाई थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे उसने नौरोज जो त्यौहार था वो किसने शुरू करवाया था, बलबन ने। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी। यानी कि बलबन ने एक उपाधि धारण की थी, उसका क्या नाम था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिल्ले इलाही। ठीक है, जिल्ले इलाही ये उसने भव्य उपाधि धारण की थी। तो इसका मतलब क्या होता था, जिल्ले इलाही का मतलब होता है कि वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिबिंब है, यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि है। ठीक है, कि उसने एक सिद्धांत भी दिया था राजत्व का सिद्धांत, और राजत्व के सिद्धांत का मतलब ही यही था कि कोई भी जो सुल्तान होता है वो धरती पर ईश्वर का प्रतीक होता है। तो इसी क्रम में उसने ये उपाधि जिल्ले इलाही धारण की थी। तो किसने की थी, ये आपकी बलबन ने की थी, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और वैसे भी बलबन वाली जो वीडियो में जो थ्योरी की वीडियो थी उसमें हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया है कि उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। तो चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बलबन। ठीक है, बलबन ने ही अपने राज्य में रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। इसके बारे में जो प्रमुख बातें हैं कि रक्त और लोहे की नीति के अंतर्गत वो अपने जो भी राज्य के अंदर अपराधी थे उनके प्रति बहुत ही सख्ती से पेश आता था और कठोर कार्रवाई, कठोर दंड की वहां पर व्यवस्था थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था। तो देखिए यहाँ पर जो रिक्त स्थान और यहाँ पर जो ब्लैंक दिया गया है इसको आपको यहाँ पर चार ऑप्शन में से एक शब्द के द्वारा भरना है। तो दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन था। तो यहाँ पर आप गयासुद्दीन भरेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो दिल्ली के सुल्तान का पूरा नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बलबन ने 1266 से 1287 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और उसने अपने राज्य में चालीसा जो कि इल्तुतमिश के द्वारा जिसका गठन किया गया था उसका भी दमन कर दिया था, जिससे कि राज्य में किसी भी प्रकार की जो अमीरों के द्वारा समस्या उत्पन्न होती थी वो खत्म हो जाए। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां, रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तुर्कों का। ठीक है, यानी कि रजिया बेगम थी उसको सत्ता से हटाने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के जो गवर्नर थे मलिक अल्तूनिया उसके नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह करके उसे सत्ता से हटाया था। हालांकि बाद में उसने अल्तूनिया ने और रजिया ने आपस में शादी भी की थी और बाद में वो उन्होंने पुनः सत्ता को प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कैथल के युद्ध में मारी गई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तुर्कों ने रजिया बेगम को सत्ता से हटाने का
काम किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मलिक जानी, ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। तो 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार करने के लिए राजमहल की पहाड़ियों में वहां पर मलिक जानी, ये जो प्रथम सूबेदार थे, इनकी नियुक्ति की थी और उन्होंने बिहार में कारभार ग्रहण किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 8वां, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो आपको पता ही होगा चंगेज खां एक मंगोल आक्रमणकारी था और उसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। और हालांकि चंगेज खां यानी कि जो कि मंगोल शासक था, उसके भारत में आक्रमण भी हुए थे, तो उसका जो वास्तविक नाम या प्रारंभिक नाम या मूल नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा तेमुचिन, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। अगर आपने थ्योरी की वीडियोज को देखा है तो आप समझ सकते हैं कि उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था, तो इसलिए अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर कब आक्रमण किया? अब यहाँ पर यह पूछा गया है कि चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने कब यानी किस समय पर आक्रमण किया। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, इल्तुतमिश के काल में, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इल्तुतमिश के काल में आक्रमण हुआ था। हालांकि इसमें इल्तुतमिश ने कूटनीति का प्रयोग करके पूरी दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के आक्रमण से बचा लिया था। वहां पर यह था कि चंगेज खां के प्रकोप से एक ख्वारिमशाह नाम का एक शासक था, उसका पुत्र मंगबरनी, वो सिंधु घाटी में पहुंचा और वहां पर इल्तुतमिश से उसने सहायता मांगी। तो इल्तुतमिश ने मंगबरनी की कोई सहायता नहीं की, इससे मंगोलों के आक्रमण का भारत पर जो भय था वो समाप्त हो गया था। तो यहां पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? ठीक है, यानी कि सिंधु के तट पर वो पाए गए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर बी, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश के काल में वो मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान, ये आप पढ़ चुके हैं, ये मध्यकालीन भारत की प्रथम और अंतिम भी कह सकते हैं, प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी, जिसने 1236 से 1240 के बीच शासन किया था और उसके संबंध में भारत में स्त्री के संबंध में पहली बार इस्लाम की परंपराओं का वहां पर उल्लंघन हुआ और इस वजह से वहां पर उसको हटा भी दिया गया था, क्योंकि रजिया का सुल्तान बनना वहां के अमीरों के खिलाफ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए इल्तुतमिश को क्यों कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। तो चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद ही एक गुलाम था और उसने इल्तुतमिश को खरीदा था, तो इस वजह से इसको गुलाम का गुलाम कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां, सल्तनत के निम्न सुल्तानों में किसने सबसे पहले अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? यहाँ पर किसने लिखा हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे, सल्तनत के निम्न सुल्तानों में किसने अपने पहले अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। ठीक है, आप जानते हैं इससे पहले राजधानी लाहौर हुआ करती थी, लेकिन इल्तुतमिश ने सबसे पहले राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित की, दिल्ली में। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 के बीच दिल्ली की सल्तनत की राजधानी के रूप में दिल्ली को स्थापित किया और इससे पहले ऐबक ने लाहौर तक शासन किया था। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वाधिक शुद्ध अरबी सिक्के भी चलाए गए, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर 14वां, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो यहाँ पर प्रकार दिए गए हैं, निम्न में से किस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई, तो आपको पता होगा उसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि पोलो खेल है उसका पुराना नाम चौगान है, तो इस खेल को खेलते समय घोड़े से गिर जाने की वजह से 1210 में उसकी मृत्यु हो गई थी और उसको लाहौर में दफनाया गया और उसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मोहम्मद गोरी था उसकी मृत्यु 1206 में हो गई थी, उसके बाद जो लाहौर की शक्तियां थीं उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत पर राज करने के लिए आमंत्रित किया और उसने भारत में एक नए वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और उसकी राजधानी लाहौर में थी, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली में राजधानी को स्थानांतरित किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16वां, निम्न में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? अब कुतुब मीनार से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो थ्योरी
पहले की वीडियोस में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन यहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए किसने किसने योगदान दिया था, तभी तो आप बता सकते हैं किसने योगदान नहीं दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक का इसमें कोई योगदान नहीं था, और जिनका योगदान था वो है कुतुबद्दीन ऐबक, क्योंकि इन्होंने शुरुआत कराई थी, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था, और इसके बाद ये इमारत बाद में क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो अंतिम रूप से फिरोज शाह तुगलक ने इसे 5 मंजिल के रूप में निर्माण करवाया था। तो जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने इसका निर्माण नहीं करवाया था, कोई भी इसमें योगदान नहीं दिया था। आगे देखते हैं, 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है। अब यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि वो कहाँ स्थित है, आपसे ये पूछा गया है कि 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है, ये एक मस्जिद है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो कहाँ पर बनवाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपका बनवाया गया है अजमेर राजस्थान में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुतुबद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का संस्थापक था, इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। और वो क्यों कहा जाता था, उसका एक कारण है अपनी जो उदारता था, उसकी जो दानशीलता थी, और उदारता की वजह से कुतुबद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, और लाख बख्श का मतलब होता है लाखों को देने वाला, यानी लाखों लोगों को दान करने वाला, इसकी वजह से उसको लाख बख्श कहा जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ये एक सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर है गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबद्दीन ऐबक, ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, जिसने 1206 से 1290 तक जो गुलाम वंश का साम्राज्य चला था उसमें सबसे पहला शासक कौन हुआ था, कुतुबद्दीन ऐबक, ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। और उसकी माता पिता सभी कौन थे, तुर्क थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल तथा बिहार पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी, जो कि मोहम्मद गोरी का दास था। हालांकि यहाँ पर जो कुतुबद्दीन ऐबक और यलदौज लिखे हुए थे ये भी उसके दास ही थे, लेकिन जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी वो था बख्तियार खिलजी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और उसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन दोनों को उसने नष्ट किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21वां, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको अपना प्रथम अख्ता प्रदान किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुतुबद्दीन ऐबक को अपना पहला अख्ता, यानी कि एक क्षेत्र, उत्तर भारत का एक क्षेत्र प्रदान किया था, ठीक है। मोहम्मद गोरी ने कुतुबद्दीन ऐबक को 1191 में हांसी नामक स्थान पर नियुक्त किया था, ठीक है। और 1192 में उसने तराइन के द्वितीय युद्ध में उसे एक बहुत बड़ी भूमिका भी प्रदान की थी, जिसका उसने अच्छी तरह से निर्वहन किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। तो इसका एक जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुस्लिम शासकों के सिक्कों पर हिंदू देवी की आकृति का होना एक बहुत ही विशिष्ट घटना थी, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, तो देखिए मोहम्मद गोरी जो कि शासक था उसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी, और इसमें एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी और दूसरी तरफ कलमा जो कि अरबी भाषा में खुदा हुआ था, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां, निम्न में से कौन सा राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका नाम है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जयचंद्र, ठीक है। जो जयचंद्र राजा था वो 1194 के युद्ध में, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने इसको कन्नौज की गढ़वाल राजा जयचंद्र को इसको पराजित किया था, और चंदावर वर्तमान में फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है, ठीक है। और इसके साथ ही ये जो विजय हासिल की थी मोहम्मद गौरी ने, इसके साथ ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24वां, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट महमूद गजनवी से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलबरूनी, ठीक है। यानी कि अलबरूनी जो विद्वान था वो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, और ये गजनवी के साथ में भारत आया था, और ये इतिहासकार ही नहीं था, वह खगोल विज्ञानी, भूगोल विज्ञानी और कवि भी था, और उसने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद इस पुस्तक की भी रचना की थी। आगे देखते हैं इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, शाहनामा का लेखक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है, शाहनामा का लेखक फिरदौसी था, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा।
तो फिरदौसी भी महमूद गजनवी के दरबार का एक प्रसिद्ध विद्वान था, उसने इस पुस्तक की रचना की थी। तो यह पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो ये रहे आज की वीडियो के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि गुलाम वंश और इससे पहले के समय से संबंधित थे। आगे का जो MCQs वाला वीडियो आएगा वो आपका खिलजी वंश और तुगलक वंश इन दोनों को मिलाकर आएगा। तो इससे पहले उस वीडियो से पहले हम लोग खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में थ्योरी की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आ गया। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।